शोभापुर क्षेत्र में स्थित एक शराब दुकान पर चार युवकों द्वारा देशी बम फेंककर आतंक फैलाया गया। देशी बम की आवाज से आसपास का क्षेत्र दहशत में आ गया, जहां पर शराब दुकान संचालक ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। बताया जाता है कि आधारताल क्षेत्र का रहने वाला सोनू ठाकुर दो दिन पहले शराब दुकान पर शराब लेने आया था। शराब के दाम को लेकर दुकानदार और उसके बीच बहस भी हुई थी, जिसके बाद सोनू ठाकुर ने दुकानदार को देख लेने की धमकी दी थी। पुलिस का कहना है कि इस वारदात को सोनू ठाकुर द्वारा ही अंजाम दिया गया है। पुलिस सोनू और उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। घटनाक्रम ये हुआ कि यहाँ दुकान चला रहा था मैं, चार लड़के आए और यहाँ दो बम चलाए, एक यहाँ और एक वहाँ, और बम चला के चले गए। ये कहिए कि ये दरवाजे के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। किस बात को लेकर उनने ये घटना की? क्या पुराना कोई विवाद था? ऐसी कोई बात है, सामान लेने आए थे क्या वो पहले? नहीं, सामान लेने नहीं आए थे, ऐसे अचानक आए। अच्छा, उनके आप पहचानते हो या शनाख्त कुछ? जी नहीं, हम पहचानते नहीं। आप अपना नाम बता दें। बच्चन ओझा। लगभग एक घंटे पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि शोभापुर देसी शराब की दुकान के सामने आधारताल निवासी संजय नगर आधारताल निवासी सोनू ठाकुर द्वारा अपने एक साथी के साथ में मोटरसाइकिल से आके डराने धमकाने की तरह से एक देसी जो बम होता है पुतली बम उसको फेंक के फेंका गया है। आपके वहाँ पर मौके पर तस्दीक की गई, घटना का सही होना पाया गया। फरियादी शेखर परिहार की रिपोर्ट पर आरोपी सोनू ठाकुर एक अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। सर, ये सोनू ठाकुर जो है ये क्या आदित्य में अपराधी है? हाँ, ऐसी जानकारी मिली है कि सोनू ठाकुर जो है थाना आधारताल संजय नगर क्षेत्र का एक आदित्य आरोपी है, जो कि परसों यहाँ पे अपने दुकान पर शराब लेने के लिए आया था। रेट के कम बढ़ को लेके हल्का सा विवाद हुआ था और जो परिणाम ये कि हम आपको देख लेंगे, तो आज उसने ये कृत्य किया। वॉइस ऑफ फ्राइड्स के लिए जलपुर से आशीष वाथरी की रिपोर्ट।